दुबई के इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने के साथ साथ तकरीबन 4000 दिरहम आपको महाना सैलरी मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलिवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल आपने यहाँ पे जाकर सर्च करना है जीएमएस एजुकेशन, ठीक है, जीईएमएस। आप जस्ट इसको याद करने के पर्पज से जीएमएस भी बोल सकते हैं, जीईएमएस एजुकेशन आपने सर्च करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है जी जीईएमएस एजुकेशन वर्ल्ड क्लास स्कूल्स फॉर ऑल एजेस, आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप जीईएमएस एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप ऊपर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस एंड फाइंड अ स्कूल के दरमियान में आपको एक कैरियर का बटन मिल रहा है, आपने इस कैरियर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जो है वो जीईएमएस एजुकेशन के कैरियर पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये कैरियर पोर्टल है, यहां पर जो कैरियर्स के नीचे लिखा हुआ है व्यू आवर करंट वैकेंसीज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम जॉब्स ओपन हो जाएंगी जो इनकी तरफ से अभी करंट ओपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज आ चुका है, स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये अवेलेबल जॉब्स हैं। यहाँ पे देखें, ये तफसील के साथ ओपन कर दी गई हैं। यहाँ पर देख लें, आप सिंपल व्यू ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने व्यू ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक किया तो ये जॉब्स अब आपके सामने एक लिस्ट फॉर्मेट डिटेल के साथ ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं स्कूल सेक्रेटरी, पेरेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश टीचर, मिडिल स्कूल मैथ टीचर, हाई स्कूल मैथ टीचर, स्कूल फैसिलिटीज सुपरवाइजर, फिर इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी और मजीद। आप यहां पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लिस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। विवर 27 पेजेस हैं। हेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर, टीचिंग असिस्टेंट, जियोग्राफी टीचर, के जी टीचर, ए लेवल टीचर, मैथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्राइमरी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट स्कूल लीडर, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एग्जीक्यूटिव। तो व्यूअर्स, आपकी जो भी डिग्री है, जिसमें भी आप, जैसे कि अगर आपकी साइंस डिग्री है, कोई साइंस सब्जेक्ट है, तो आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका आर्ट्स है तो आप आर्ट्स टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर की मास्टर डिग्री की हुई है, आप सिंपल यहाँ पे लिखें, मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंप्यूटर के हवाले से जितने टीचर्स जिनको रिक्वायर्ड होंगे वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, कंप्यूटिंग टीचर है, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर साइंस टीचर है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है इनको रिक्वायर्ड है, स्कूल रिसेप्शनिस्ट इनको रिक्वायर्ड है, हेड ऑफ अरेबिक स्कूल टीचर इनको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, तकरीबन तमाम तमाम जो है वो क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी एजुकेशन जो है वो टीचिंग जॉब के रेलेवेंट नहीं है तो देन आप क्या कर सकते हैं, आप नॉन टीचिंग जॉब, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, टीचर ऑफ साइंस, वो कह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मजीद यहाँ पर देखते हैं, लाइब्रेरियन इनको रिक्वायर्ड है, ओके। मजीद अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मजीद टीचरों की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, इतनी आईसीटी इंजीनियर इनको रिक्वायर्ड है, डिप्टी ऑफ प्राइमरी, ठीक है। मैं क्यों डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोग मैसेज कर रहे होते हैं मैंने फिजिक्स में मास्टर किया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने, ये देखिए प्राइमरी टीचर है, तो तकरीबन तमाम क्वालिफिकेशन वाले लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि कौन सी पोजिशंस हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। मैं बैक चलता हूँ। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप व्यू जॉब डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश टीचर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये इनको रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे देखें,
बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी, वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद मजीद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूं तो ये देखें, यहाँ पर कुछ आ गया जी पर्सनैलिटी के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ओके। आपके एक आइडियल टीचर के अंदर जितनी भी एबिलिटीज होती है वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, आपका टीचिंग मेथड अच्छा, यहाँ पर ये सारी आ गई। अब देखिए अप्लाई नाउ, अप्लाई कैसे करना है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट इसी तरह से आप सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ के ऊपर आओगे, तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आ गए वो, कह रहे जॉब सीकर लॉगिन, आपने यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन से पहले आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं लिंक्डइन अकाउंट है तो डायरेक्ट उससे भी हो सकता है, अदरवाइज आप यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड कर दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है, हाउ डिड यू हियर अबाउट, आपने हमारे बारे में कहां से सुना है, तो देन वो यहां पर आपने मेंशन कर देना है। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस लॉगिन पेज आ जाएगा। जैसे आपका लॉगिन पेज ओपन होगा तो देन वहां पर आपने जिस ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो यहाँ पे देखें, ईमेल एड्रेस है, एंटर योर पासवर्ड, लॉगिन कर लेना है, तो आपका अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा एक डैशबोर्ड, ओके। उसके बाद सबसे अहम चीज पीछे बताई थी, सीवी अपलोड करनी है। सीवी कहाँ से लेनी है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे आके लिखना है राइट सीवी फॉर इंग्लिश टीचर एट दुबई, तो देन आप इसको एक कमांड देंगे तो ये आपको एक सीवी का फॉर्मेट दे देगा। ये देखें कमाल का फॉर्मेट है, प्रोफेशनल समरी है, यहाँ पे ये कर लेनी है, एजुकेशन आपके जो है वो बीएड वगैरह, उसके बाद सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका कितना है। आपकी सीवी कम से कम 3 पेजेस की होनी चाहिए, इससे कम की सीवी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करेंगे तो देन ये देखें रिस्पॉन्स इस तरह से ऐड करेंगे तो आप 3 पेजेस की सीवी बना लेंगे, ठीक है। आपका जाहिर बात कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो होगा टीचिंग का जो बाहर अप्लाई कर रहे हो। स्किल्स यहाँ पे देखें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस, रेफरेंस, ये सारा कुछ आप जो है वो 3 पेजेस की सीवी के ऊपर मेंशन करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से इसको कमांड देनी है जी कवर लेटर भी हमें बना दें, ये कवर लेटर भी बना देगा। आप जस्ट यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने अपनी पर्सनल एजुकेशन ऐड करनी है, सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, एजुकेशन डिटेल के बाद अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, उसके बाद अपनी सीवी, अपने एक प्रोफेशनल किस्म की आपने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देनी है, और जॉब जिन जॉब्स के लिए आप अहल हैं उन जॉब्स के लिए आपने सिंपल अप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि लास्ट डेट क्या है, देखिए ये जॉब्स 11 घंटे पहले, कोई 12 घंटा पहले, कोई एक दिन पहले जो है वो पोस्ट हुई है, और वो कह रहे हैं विद इन अ मंथ जो है वो इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, यानी समझ लें कि 1 महीना है आप लोगों के पास, आपने 1 महीने के अंदर अंदर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, और चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।